Dr. Manoj Sharma. Dr. Manoj M. Sharma is an alumnus of the ICAR Central Institute of Fisheries Education, Mumbai. He has been closely associated with development of shrimp farming in Surat for the past 25 years as a consultant, entrepreneur and an office bearer of farmer-based institutions like SAFA and GAFDA, and has worked hand-in-hand with ICAR SIBA in developing innovative models and strategies for the sustainable development of shrimp farming in Gujarat. He made a presentation on shrimp farming in the west coast of India, issues and the way forward at the BAFAC 2020 in Surat. Yeah, mujhe pata hai ki bahut kam shrimp farmers hain. Generally abhi season chalu ho raha hai to kafi log apne karya mein busy hain. Lekin ye jo presentation hai, main zyadatar focus kar raha hu un young logon ko ki jo श्रिम फार्मिंग में आना चाहते हैं. और मैं ये प्रेजेंटेशन सब अधिकारी लोगों के लिए भी प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि उनको पता चले कि गुजरात में सही मायनों में श्रिम फार्मिंग के डेवलपमेंट किस तरह से हुई है. मैं पाटिल सर को नमस्कार करता हूं. पाटिल सर आए हैं यहां हमारे महाराष्ट्र एक्वाकल्चर फार्मर्स एसोसिएशन के. पाटिल साहब नमस्कार, बिकॉज ही इज़ वेरी सीनियर एंड आई रिमेंबर व्हेन वी वर स्टूडेंट इन सीआईएफई वी यूज़ टू विजिट पंचम. तो विजयन सर ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि आप ओपनिंग बैटिंग करना टेक्निकल सेशन का, बिकॉज आपको यहाँ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है. तो मैं आज जो बात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ वो है श्रिम फार्मिंग वेस्ट कोस्ट अपने पश्चिम तट के ऊपर, खास करके गुजरात और महाराष्ट्र में इसका क्या स्टेटस है और इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है. तो सबसे पहले हम देखें कि इंडिया में श्रिम फार्मिंग का प्रोडक्शन क्या है. मुझे आज भी वो दिन याद है जब 1994 में मैं गुजरात आया था, तो मेरे भाई साजी और कुछ सीनियर बिल्ली मोरा के कुछ फार्मर हैं जहाँ 5-25 पौंड के अंदर श्रिम फार्मिंग होती थी. और सूरत में तो श्रिम फार्मिंग का कोई नामो निशान नहीं था. जैसे मेरे बड़े भाई प्रदीप भाई ने बताया कि काफ़ी मेहनत करके हम लोग सूरत में श्रिम फार्मिंग चालू की. अब मुझे डाटा अगर से उतने अप्रोक्सीमेट याद नहीं है, फिर भी मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि जब 1994-95 में पूरे भारतवर्ष में जब तक मोनोडॉन था, हमारा श्रिम्प उत्पादन कभी भी एवरेज 80,000 टन से ज़्यादा कभी नहीं गया. 1994 से शुरुआत जिसकी हुई और जब तक वेनामी 2009 में ओपन नहीं हुआ, तब तक हमारा देश एवरेज कभी 70-80,000 टन से ज़्यादा उत्पादन कभी नहीं कर पाया. लेकिन आप सबसे गर्व की बात है कि आप जब देखेंगे आंकड़े कि जब 2010 से 1,00,000 टन से, आप देखिए जब वेनामी का एंट्री हुई अपने देश में, किस पद्धति से इसका डेवलपमेंट हुआ. आप देख सकते हैं कि करीब 7 से 7.5 लाख टन तक इसका उत्पादन बढ़ा. लेकिन आज अगर से आप इसको डाटा को कंपाइल करके देखें कि 2010 में सिर्फ 2.2 यानी जब 200 करोड़ सीड से इसकी शुरुआत हुई थी, तो फार्मर्स के लिए सबसे अच्छा सक्सेस था. 85% तक फार्मर सक्सेसफुल थे. लेकिन आप ग्रेजुअली आप देखो, दो हम उत्पादन में बढ़ रहे हैं, हमारी क्षमता उत्पादन में बढ़ रही है, लेकिन फार्मर के सक्सेस की या फार्म के लेवल की जो गुणवत्ता है वो धीरे 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 घट रही है. अब 2019 में हमने 70 बिलियन सीट से करीब 8,00,000 टन तक का हमने उत्पादन लिया है, लेकिन इसकी सरेरास 50 से 55% है. ये क्यों है, ये क्या किस तरह की चेतावनी है हमारे लिए, उसका हम विश्लेषण आगे करेंगे. ये है जो कुछ मेजर फार्मर्स की जो समस्याएं हैं, जो बहुत तकनीकी है. जहां बोलते हैं कि जब भी कोई आप लाइव स्टॉक का बिजनेस करते हैं, जब जो कोई जिंदी चीज है उसको कभी ना कभी तो बीमारी आनी है. तो ये कुछ सब वो बीमारियों के तौर तरीके है ये, लेकिन इसके अंदर आज भी जो सबसे खतरनाक है वो व्हाइट स्पॉट है, जो पिछले 1995-96 से जो इंडस्ट्री को बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर के जो नुकसान कर रहा है. लेकिन पिछले 3 साल से जो खतरनाक समस्या जो बढ़ रही है फार्मर्स के बीच में, वो है EHP. ये एक तरह का बोलते हैं कि प्रोटोजुआ है, जो कोई लोग फंगस भी बोलते हैं, कुछ लोग प्रोटोजोआ भी बोलते हैं. लेकिन EHP की, खास करके श्रिम फार्मर जो लोग फार्मिंग करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि
सबसे खतरनाक बीमारी व्हाइट स्पॉट है। कल मुझे अनूप जी भी बार बार पूछ रहे थे कि व्हाइट स्पॉट से कितना नुकसान होता है, लेकिन मैं आप किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि 20 साल के मेरे एक्सपीरियंस में व्हाइट स्पॉट श्रिम्प को मारता है और फार्मर को थोड़ा नुकसान पहुँचाता है, लेकिन ये EHP तो इतना खतरनाक है जो किसान को ही मार देता है। यानी इसकी जो स्लो इफेक्ट है वो धीरे 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 करके स्लो ग्रोथ करके पूरे पॉन्ड का प्रॉफिट जीरो कर देता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, हम इसके बारे में आज ज़्यादा डिटेल नहीं बात करेंगे, लेकिन जो लोग यहाँ इस हॉल में बैठे हैं और जो श्रिम फार्मिंग के बारे में समझना चाहते हैं कि ये हुआ कैसे, जो 30-35 साल पुराना इतिहास है अपने भारत में, लेकिन जिसकी शुरुआत मैं बोल सकता हूँ कि ट्रेडिशनल वे में हुई थी, जब लोग खाली टाइडल वाटर्स को एक इम्पाउंडमेंट में ले लेते थे और उसमें ही जो जंगली आता था उसी को बड़ा करके हार्वेस्ट किया जाता था। मीन्स खाली उसके बाद जो पद्धति चालू हुई कि 1988 में जो टसपार्क और ऑसपार्क इंडिया में आने के बाद जब हमको क्वालिटी ब्लैक टाइगर की सीड मिलती गई तो लोगों ने सीड डालना चालू किया, फिर उसमें इम्प्रोवाइज आना लगा कि लोगों ने सीड फीड और थोड़ा फिर वाटर एक्सचेंज के ऊपर शुरुआत करी जो कि 90s में हुई, फिर 97-95 से जो 2000 का दौर था सेमा इंटेंसिव आ गया जहाँ लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीड अच्छी क्वालिटी का फीड अच्छे मेडिसिन और वाटर एक्सचेंज करते थे। मुझे आज भी याद है जब 96 में जेना सर हमने पहली बार शुरुआत करी थी, पूरे भारतवर्ष में या पूरे दुनिया में एक्वा कल्चर के लिए एक ही रामबान उपाय था, वो था वाटर एक्सचेंज। कुछ भी समस्या हो तो आप पानी बदल दो, कुछ भी समस्या करो तो पानी बदल दो। लेकिन अब ये समस्या ये हो रही है कि जितना ज़्यादा हम काम कर रहे हैं एक्वा कल्चर में उसी तरह से अब पानी की भी गुणवत्ता घट रही है। अब तो ये दिक्कत है कि आप पानी अंदर लो तो आपको समस्या बढ़ रही है। सो आई एम ट्राइंग टू शो यू दिस स्लाइड कि हाउ इन लास्ट 30-35 ईयर्स द श्रिम फार्मिंग हैज इवॉल्व फ्रॉम ए सिंपल पानी में अंदर ले लो और उसमें बच्चा डाल दो लेके एकदम इंटेंस जो एकदम हाईली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है 2020 में जो डेवलप है, अभी हम उसकी भी आगे चर्चा करेंगे। ये जैसे कि मोनोडॉन सिनेरियो है, एल्विनामी सिनेरियो है, लेकिन उसके ऊपर जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो दौर था हमारा गुजरात का, इसमें भारतवर्ष के अंदर जब से श्रिम फार्मिंग चालू हुई है 2009 तक एक मोनोडॉन का दौर चला, 2009 से जब मैं आप तक बात कर रहा हूँ तो ये एक वेनामी का दौर है। गुजरात आप समझ सकते हैं कि 1994 में जो बिलीमोरा में कुछ पॉन्ड्स थे, उसके बाद जो सूरत में जो 97-98 से जो उसकी शुरुआत हुई और उसने बहुत ज़्यादा सक्सेस और बूस्ट और एक मोटिवेशन यहाँ के सब फार्मरों को दिया। आप देख सकते हैं कि जो उत्पादन हमने करीब 200-300 टन से शुरुआत करी थी, आज गुजरात के अंदर एवरेज पिछले 7-8 साल से 50,000 टन उत्पादन हो रहा है। लेकिन खास सबसे बड़ी बात है गुणवत्ता में, साइज में, प्रोडक्टिविटी में कंपेयर टू भारत वर्ष में सबसे अच्छा माल अपने गुजरात में पकता है। लेकिन जिसे बोलते हैं ना कि जब आति तिथे माती, जैसे मराठी में भी कहावत है या गुजरात में, जब अपन कोई चीज़ जब ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं वो साथ में अपनी समस्याएँ और प्रॉब्लम भी लाता है। पहली बार गुजरात में जो समस्या का जो पहला हमको जो लगा कि अब ये शुरुआत तकलीफ आ रही है वो 2017 की सेकंड क्रॉप था, जब पहली बार हमको वाइट फिशेस का और वाइट गट का एक शुरुआत हुआ। उसके बाद 2018 में ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ा और कई किसानों को नुकसान हुआ। लेकिन 2019 में जब हमारे फार्मर सब एसोसिएशन में सब बैठ के हमने डिसाइड किया कि इसकी हम स्टॉकिंग डेंसिटी कम करेंगे, कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से काम करेंगे, तो उसके बाद इसकी गुणवत्ता फिर से माल की अच्छी बढ़ने लगी। अब मैं आपको खाली कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ कि जैसे 2009 में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन की जो परिभाषा है वो किस तरह से आई। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि 2009 में ये हमारा एयरपोर्ट के नज़दीक का दुमस एरिया है जेना साहब, जहाँ सिर्फ आप देख सकते हैं कि कुछ ऊपर 30-40 पौंड ही आप मोनोडॉन के आपको दिख रहे हैं। जब लोगों को पता चला कि श्रिम फार्मिंग काफ़ी अच्छा बिजनेस है और इसमें आगे लोग करना चाहिए, और ख़ास करके जब SPF डिसीज़ फ्री वेनामी की एंट्री हुई, तो आप देख सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए ये स्लाइड को, ये गूगल का आर्काइव है, आप जाके फिर से देख सकते हैं।
डुमस 2009 में जो 40 पॉइंट थे, जब 2019 में मैंने उसकी तस्वीर ली तो आप देख सकते हैं किस तरह की डेवलपमेंट हुई है। करीब 3,500-4,000 पॉइंट की डेवलपमेंट हुई है। आप सोच सकते हो कि इसका क्या उत्पादन है, इसकी रोजगार क्या क्षमता बढ़ी होगी और कई लोगों को इससे रोजगार मिला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नीली क्रांति है कि 4-5 साल के अंदर लोगों ने इतने इसके अंदर फायदे देखे और इसकी अपॉर्चुनिटी देखी कि आप देख सकते हो कि मैं फिर से एक स्लाइड पीछे लेता हूँ और आप देखिए कि 7-8 साल में इस भूमि की काया पलट हो गई। जब इतनी सारी डेवलपमेंट होती है तो उसके साथ थोड़ी थोड़ी समस्याएं भी चालू हो जाती है, उसके हाइजीन के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, ऑर्गेनिक लोड्स उस एरिया में बढ़ जाते हैं, फिर डिसीज़ भी आना चालू होता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि 2005 में हमारा जो मेन जो क्रीक है ओलपाड़ के, जहाँ प्रदीप भाई बोले कि हमने यहाँ पर इसकी शुरुआत करी थी, आप देख सकते हैं 2018 में क्या डेवलपमेंट है, मैसिव डेवलपमेंट। आप सोचिए कि जो सिर्फ 100-150 पॉइंट की शुरुआत हुई थी 1995-97 में, आप देख सकते हैं कि 10,800 के ऊपर पॉइंट अभी साउथ गुजरात और उधर आज पोरबंदर साइड में भी डेवलप हुए हैं। ये हमारी मंदरोई की साइड है कि आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया डेवलपमेंट हुई है। आई थिंक ये देख सकते हैं आप कि जब इस तरह से जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती है तो हाई स्टॉकिंग डेंसिटी, हाई सैलिनिटी, हाई ऑर्गेनिक लोड, ये एक परफेक्ट रेसिपी हो जाता है डिसीज़ के लिए। तो जो गुजरात में जो समस्या है, जो अभी महाराष्ट्र में भी जो समस्या है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है पिछले 2 साल से, वो है वाइट गट और वाइट फिशेस का जो प्रॉब्लम है समर में, और वाइट स्पॉट और मानसून में। यानी वाइट स्पॉट तभी आएगा जहां आपको हेवी टेम्परेचर वेरिएशन आएगा, जहां गर्मी से ठंडी के तरफ बारिश के बाद। लेकिन बहुत सारे फार्मर इस बात से बहुत खुश थे कि मार्च से लेके जून तक जब तक बरसात नहीं होगी, वाइट स्पॉट कभी अटैक नहीं करेगा, ताकि गर्मी में वायरस दूर होता है। लेकिन पिछले 2 साल से जो समस्या बढ़ रही है कि गर्मी में वाइब्रियो ये EHP डेवलप होके वाइट गट हो रहा है, और जैसे ही बारिश चालू होती है उसके बाद वाइट स्पॉट आ रहा है। तो इसीलिए हमने बोले कि भाई अभी वाइट वॉश चालू हो गया श्रिम फार्मिंग में। ये आप कुछ देख सकते हैं कि कुछ जो वाइट गट और वाइट फिशेस के प्रॉब्लम्स है वाइट स्पॉट के। लेकिन मैं एज ए फार्मर जो पिछले कई सालों से इसके अंदर हूँ इन्वॉल्व, तो मैंने देखा कि कुछ मेरे साइट्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ साइट अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो उसकी स्टडी करने के बाद मैंने एक चार चीज़ों का स्टडी किया, जिससे ये पता चला कि ओल्ड पॉन्ड, जो पॉन्ड थोड़े पुराने हो जाते हैं और उसी क्रीक पे बहुत डेवलप हो जाते हैं 10-15 साल, तो उसके क्या अपने समस्याएं हैं, या नए पॉन्ड जो पुराने क्रीक पे बनाए जाते हैं उसके क्या रिजल्ट है, और जो न्यू पॉन्ड एकदम टोटली न्यू एरिया पे जो डेवलप है उसमें कितना अच्छा परफॉर्मेंस होता है, और न्यू पॉन्ड इन हाई सैलिनिटी वर्सेस लो सैलिनिटी। बहुत सारे जना सर अभी ये समस्या हो जा रही है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है कि ब्लेम गेम चालू हो जाती है कि शायद सीड खराब थी, फीड खराब थी, फीड में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, या हेल्थ प्रोडक्ट्स कुछ खराब आ रहे हैं, या कुछ टेक्नीशियन का उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन जना सर, मैंने अपने खुद के 5-7 डिफरेंट अलग अलग साइट है, तो उस पर मुझे एक बहुत ही अलग सा स्टडी मिली कि मैंने देखा है कि समस्या सीड में, फीड में या मेडिसिन में हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारे फार्मिंग प्रैक्टिसेस में, कि तुम कहाँ पर किस जगह श्रिम फार्मिंग कर रहे हो, ये इसका सबसे ज़्यादा मायना है। तो मैंने उसकी स्टडी के, मैं आपको कुछ देता हूँ कि जैसे कि ये अपने एग्जैक्ट लोकेशंस है, जिसमें एक साइट मैंने महाराष्ट्र से भी चूज़ करी थी। आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रायल क्राइटेरिया क्या रखे थे, सीड, स्टॉकिंग डेंसिटी, फीड, प्रोबायोटिक हेल्थ प्रोडक्ट कॉमन रखे थे, लेकिन एरिया, सोर्स ऑफ वाटर अलग है, यानी लोकेशंस अलग है। तो उसकी स्टडी का मैंने कंपाइलेशन किया, विच विल बी ए बिग आई ओपनर फॉर द इंडस्ट्री इटसेल्फ। आप देख सकते हैं रिजल्ट कि जो ओल्ड पॉन्ड, ओल्ड क्रीक है, जो 10 साल से ज़्यादा क्रीक है और वहाँ पर जो पॉन्ड 10 साल से ज़्यादा काम हो रहा है, उसमें ऑर्गेनिक लोड और कैरिंग कैपेसिटी इतनी कम हो गई कि एवरेज 62% ही सर्वाइवल वहाँ आ रहा है, और DOC भी बढ़ रहे हैं। लेकिन न्यू पॉन्ड और ओल्ड क्रीक, जैसे कि आप उसी ओल्ड क्रीक पे आपने नए पॉन्ड बना दिए, फिर भी वो पॉन्ड ओल्ड पॉन्ड से बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ताकि उसका ऑर्गेनिक लोड कम है। वहाँ हमने देखा कि 70-75% सर्वाइवल है। लेकिन न्यू पॉन्ड और न्यू क्रीक, दो इट इज़ हाई सैलिनिटी, पीपल से कि भाई 35 के बाद नहीं होता, लेकिन मेरे कुछ भावनगर के एरिया है जहाँ हमने इसकी फार्मिंग करी, यू विल बी सरप्राइज, 90-92% तक सर्वाइवल है।
अब महाराष्ट्र में हमारा भुवनगिरी एरिया, अलीबाग या रोहा एरिया में हमने न्यू पॉन्ड न्यू क्रिक का एकदम लो सैलिनिटी का एग्जाम्पल लिया एंड इट इज़ अ सरप्राइजिंग सेम सीड सेम फीड सेम मेडिसिन हैज आउट परफॉर्म एवरीथिंग 105 दिन में क्रॉप रेडी हो गया। तो मेरा ये कंक्लूजन ये है कि जिस तरह से आप रिपीटेड फार्मिंग कर करके यानी पीपल डजंट वॉन्ट टू स्टॉप। मैं कई बार हंसी मजाक में लोगों को ये बोलता है कि भाई श्रिम फार्मिंग और वीडियो गेम में काफ़ी सिमिलैरिटी है। आप एक लेवल प्राप्त करने के बाद आपको सेकंड लेवल के लिए एफर्ट 20-25% ज़्यादा डालना पड़ता है तो ही आप सेकंड लेवल पास करते हो। उसी तरह फार्मर को और आने वाले नए फार्मर को ये सोच समझ के इसमें एंट्री करनी चाहिए कि पहला क्रॉप सक्सेस हुआ तो आपका सेकंड क्रॉप में करीब 20-25% और चैलेंज बढ़ जाता है। लेकिन मानसिकता क्या होती है फार्मर की, जब सक्सेस हो जाता है वो सक्सेस फार्मूला कभी चेंज नहीं करता। इस बार मेरा अच्छा माल निकला और मैंने ये किया, मुझे वही करना है। उसके बाद क्या होता है कि वो ये भूल जाता है कि भाई जो 5000 किलो माल उसने निकाला है और उसमें 7000 किलो फीड डाला है, उसका भी जो ऑर्गेनिक लोड जिस सॉइल पे होता है या उस क्रिक पे होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो बोलता है कि नहीं साहब, पहले तो आपने मैंने ये डाला था, इतनी दवा डाली थी, बराबर माल निकला था, पता नहीं इस बार ऐसा क्यों हुआ। तीसरे साल उसका और ज़्यादा डाउनफॉल हो जाता है। तो सबसे बड़ा समस्या ये है कि आप जिस जगह खेती कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में अगर से 100 टमाटर हो और आपने एक जगह डाल दिए तो वो पोल्यूशन हुआ, लेकिन हर एक एक किलोमीटर पे एक एक टमाटर गिरता रहा तो वो पोल्यूशन नहीं होता। मीन्स मदर नेचर टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन। मेरे ये सजेशन है कि फार्मर्स को ये बात में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से, यानी कैरिंग कैपेसिटी में एक क्रिक पे उसके वाटर की कैपेसिटी क्या है, वो कितने पॉन्ड्स को सपोर्ट कर सकता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तभी हम इसमें एनिमल स्टॉक के अंदर हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ हम जो बात कर रहे हैं कि 800,000 टन हमारा उत्पादन हो रहा है, लेकिन ये मेरे लिए ये स्लाइड सबसे बड़ी डरावनी स्लाइड है कि हमारी डिपेंडेंसी 800,000 टन के लिए एक्सपोर्ट पे, और हम सबसे ज़्यादा, ये तो मैंने खाली दिल को खुश करने के लिए 10% डोमेस्टिक मार्केट रखा है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो 2% से भी ज़्यादा डोमेस्टिक मार्केट जो कुछ नहीं कर रहा है उसको रात को सोने से पहले कम से कम एक 20 रुपये का तो खाना खाता होगा वो। तो हमारे देश के अंदर खान पान की जो इंडस्ट्री है वो करीब 2800 करोड़ की है पर डे की, 24 घंटे में 136 करोड़ लोग सिर्फ एक बार दाल चावल भी खा के सोगा तो उसको 3000 करोड़ की लागत लगेगी। तो इतना बड़ा हमारे अपने आप में मार्केट है, अगर से दुनिया पूरी 700 करोड़ की है तो सिर्फ हम और चाइना मिला के 300 करोड़ है, करीब हम और चाइना मिला के 45 करोड़ है। अब जैसे कि अनुप कुमार जी ने बताया कि हमारे सामने सबसे खतरनाक क्या चीज़ है कि हम एक तरफ खुश है, समाज खुश है, फार्मर खुश है कि हम 800,000 टन का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन अचानक जो सबसे बड़ा मार्केट है चाइना, जो करीब गए साल 2.25 लाख टन तक उत्पादन वहाँ पर गया है, अब वो अचानक शटर डाल दिया है कोरोना वायरस की वजह से, तो ये हमारा 2.5 लाख टन माल जाएगा कहाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद हमको क्या करना है, आज अगर से यूरोप जो पहले 33% माल हमारे इंडिया से लेता था, लास्ट ईयर शायद वो 7-10% के ऊपर आ गया है, तो इतनी बड़ी मार्केट हमारा जा रहा है। अब दूसरी बात जो मुझे डर है कि अगर से अमेरिका का जो 45% शेयर है हमारा, वो अगर से इक्वाडोर उधर कॉम्पीट करा तो हमारे पास 5-5.5 लाख टन का मार्केट हम बेचेगा। तो सरकार के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ बैठे हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमारे लिए किया है वो बहुत अच्छा किया है, उनका लाख लाख धन्यवाद। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वी हैव बिकम ओवर विक्टिम ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब हमारे पास सबसे बड़ा मैंडेट ये होना चाहिए ब्लू रेवोल्यूशन का कि किस तरह से हमारा डोमेस्टिक मार्केट को डेवलप किया जाए। और फार्मरों के लिए मेरी ये की सलाह है कि ज़्यादा, विजयन सर ने मुझे बोला कि 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, लेकिन हमारे लिए, हमारे फार्मर्स के लिए सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए कि किस तरह से हम एक्सपोर्ट मार्केट को मेंटेन करने के लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी का वर्ल्ड फूड सेफ्टी के हिसाब से हम झींगा पका सकते हैं। अब ये स्लाइड एक्चुअली थोड़ी चेंज हो गई, ये मैं अब एक नया फॉर्मेट का काम कर रहा हूँ जैना साहब, आप कभी, आपको नेक्स्ट टाइम टाइम हो तो आप इसके जरूर इनॉग्रेशन में आप आइए, मैं आपको यहाँ से इन्विटेशन देता हूँ। ये मैंने जो बनाया है, दिस इज़ आई थिंक सो फार वन ऑफ द मोस्ट सोफेस्टिकेटेड
नर्सरी सिस्टम मे बी इन द कंट्री. अभी तक जब तक मैं बना रहा हूँ तो ये इतने लेवल का कोई सोफेस्टिकेशन नहीं किया. आप देख सकते हैं पूरा, ये पूरा नैनो वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम है. देन आई हैव अ शेड. अब मैंने इसका नाम रखा है T20. यानी लोग सोचते हैं कि भाई T20 क्या है. T20 श्रिम फार्मिंग का मेरा जो कंसेप्ट है, जो आप विजयन सर भी इस बात को बोल रहे थे कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, कि जो फार्म की समस्या है या हमारी एक्सपोर्ट की समस्या है. अब फार्मर की ये समस्या है कि पाटिल साहब भी इस बात से मुझे सपोर्ट करेंगे कि हमारे लिए अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ऐसे इन्वायरमेंटल चैलेंज में और इतने न्यू डिसीज में या न्यू इमर्जिंग डिसीज में 160 दिन तक का क्रॉप करें कैसा. अगर से 30 काउंट माल करना है तो कम से कम 150 से 160 दिन लग रहा है. जिस तरह से क्रिकेट का मैंने इसका T20 नाम रखा है, क्रिकेट में पहले 5 दिन का टेस्ट मैच होता था, फिर उन्होंने लोग बोले कि अभी कौन पकाओ 5 दिन देखते बैठे, तो टाइम नहीं है लोगों के पास, तो उसका एक दिन का हो गया, वनडे पे आ गया. लेकिन पिछले कई दिनों से देखा है आपने कि अभी 20-20 ओवर का सेशन हो गया, 2-2.5 घंटा इधर, 2-2.5 घंटा इधर, 5-6 घंटे में मैच खत्म. तो अगर से मेरे दिमाग में ये बात आई है कि अगर से हम फार्मिंग डेज को कम कर सके, 100 दिन के अंदर लेके आ जाएंगे, तो कई सारी फार्मर्स की समस्या कम हो सकती है. सो दिस इज वी आर गोइंग फॉर द 3-phase सिस्टम. जो पहले शेड के अंदर PL 4-15 होगा, दूसरे शेड में 15-25 होगा और तीसरे शेड में 25-35 होगा. यानी फार्मर को हर स्टेज पे डिसीज फ्री सीड मिलेगा. जो समस्या थी व्हाइट स्पॉट की कि 30 दिन के अंदर आएगा, लेकिन 30 दिन का ही सीड उसको देंगे तो उसमें कहाँ से आएगा. अगर से EHP आके 2 ग्राम के बाद आपको पता चल रहा है कि ये साइज वेरिएशन कर रहा है, ये कर रहा है, तो जबको आपको हम ऑलरेडी 0.3 से आधे ग्राम से 1 ग्राम का सीड देंगे और 35 दिन पुराना देंगे, तो आपको EHP की भी समस्या दूर हो जाएगी. सबसे बड़ी बात कि जो श्रिम्प आपको 150 दिन में 30 काउंट होगा, वो शायद अच्छे से आप इसका ध्यान रखोगे तो आपको 100 दिन के अंदर ही वो 30 काउंट हो जाएगा. तो फार्मर के लिए बहुत बड़ा एक इंश्योरेंस स्कीम होगा कि ये वे फॉरवर्ड यही है कि नर्सरी सिस्टम के ऊपर अगर से. हाँ, ये कभी कभी मैं इस बात को मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जो लोग अभी हाफाजार्डली जो आंध्र प्रदेश में या दूसरी जगह नर्सरी सिस्टम को अच्छा है बोल के 5-6 पौंड में से 1 पौंड नर्सरी कर दिया और उसमें से ट्रांसफ़र करना चालू कर दिया, मैं इसके थोड़ा आप सभी फार्मरों को चेतावनी देना चाहता हूँ. नर्सरी सिस्टम इज़ अ वेरी गुड एस्पेक्ट, फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, लेकिन नर्सरी विद इन द फार्म आपको थोड़ा बैकफायर कर सकता है. इसलिए आप उस पर ध्यान देख के करिए कि तो अगर से आप नर्सरी फार्मिंग एरिया में कर रहे हैं, जब फार्मिंग एरिया डिस्टर्ब होगा तो नर्सरी डिस्टर्ब होगी, या नर्सरी में कोई प्रॉब्लम आएगा तो फार्मिंग डिस्टर्ब होगा. अब ये झिंगा लाला जो मेरी एक दूसरी फार्मर के लिए सपोर्टिंग है, जैसे मैंने अभी T20 का कंसेप्ट लाया, तो दूसरा मैं मानता हूँ कि कई सालों से लोग बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में कोई पहल नहीं कर रहा, डोमेस्टिक मार्केट में पहल नहीं कर रहा. तो ये गुजरात की तरफ से पूरी दुनिया को गिफ्ट है. द नेम इज़ झिंगा लाला. मैंने झिंगा इज़ प्रॉन और लाला इज़ सुरती पीपल. सुरती लोगों को लाला बोलते थे, झिंगा लाला डेडिकेटेड टू गुजरात पीपल. यहाँ मैंने शुरुआत करी है एक पहल की कि जिससे करीब 40-45 टाइप्स के डिफरेंट डिशेज बनाए हैं श्रिम्प्स के. ताकि कई बार मैंने देखा है जेना साहब कि लोग बोलते हैं झींगा तो बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन हमको बनाना नहीं आता, बनाए तो खाना नहीं आता. और लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, उसको चिकन मटन के साथ कंपेयर करते हैं बनाने में क्या समय. लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से मैं इसके अंदर अभी क्यूलिनरी में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, द गुड श्रिम्प इज कुक्ड ओनली इन 35 सेकेंड्स. खाली करी गर्म हो गई, उसमें श्रिम्प डाल के करी को बंद कर दो, इट इज़ द बेस्ट वे. मीन विद इन 1 मिनट यू कैन कुक द श्रिम्प. नाउ यू कैन सी दिस अ स्लाइड. आप हो सकता है अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर में रेस्टोरेंट है, आप हो सकता है आज लंच तो यहाँ है, डिनर पे आप आइए, ज्वाइन करिए एंड यू कैन टेस्ट दिस वंडरफुल डिशेज मेड स्पेशली फ्रॉम फार्म रेस्ट वेरी हाई श्रिम्प. विजयन सर बार बार हाथ बता रहे हैं तो टाइम की कमी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ. और आप सब लोगों का धन्यवाद, आपने सुना और गुजरात को आप यहाँ आए, हमारी शान बढ़ाई, इसलिए आपका धन्यवाद. थैंक यू सो मच.